कि सब्सक्राइबर 1000 से कम है या 1000 से थोड़े ज़्यादा है, मतलब 10000 से कम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि YT स्टूडियो में दो सेटिंग है जो कि अगर आपका ऑन नहीं है तो आपके जितने भी शॉर्ट वीडियो आप डालते रह जाएंगे कभी वायरल नहीं होता, और रिकमेंडेशन आपकी वीडियो नहीं होती है, वो सेटिंग बंद होती है। आप कितना भी वीडियो डालते हैं वायरल ही नहीं होता, आपके 100-200 व्यूज ही आते हैं। तो वो सेटिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं, वो कौन सी सेटिंग है दो जिसको ऑन करने के बाद शॉर्ट वीडियो बूस्ट होने लगता है, वायरल होने लगता है और यूट्यूब उसको भेजने लगता है। तो यूट्यूब खोद दिया है, अगर आप उसको ऑन नहीं किए हैं तो जाकर फटाक से ऑन कर लेना, इससे पहले कि अगर आप चैनल का अपने चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हैं वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर आपके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक आते हैं तो आपके चैनल को मैं प्रमोशन कर दूँगा। जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके चैनल का नाम लूंगा, आपके चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। कौन सी सेटिंग है YT स्टूडियो में जिसको ऑन करना होता है, तो देखिए सबसे पहले अपना YT स्टूडियो ऑन कर लेना है, अपना एनालिसिस देखते हो, ठीक है। अब यहाँ कॉर्नर पे आपको अपना प्रोफाइल का चित्र मिल रहा होगा, यहाँ पर जाना है आपको। अब ये जो आपका पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ जाना है, और लास्ट में सबसे यहाँ देख रहे हैं रिकमेंडेशन का जो ऑप्शन है मेरा ऑन है, अगर आपका ये ऑफ है तो तुरंत जाकर ऑन कर लेना। ये पहली सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग की बात करते हैं, दूसरी सेटिंग क्या है। सबसे पहले आपको एनालिटिक्स में आ जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलेगा कमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे जाना है और यहाँ कॉर्नर में आपको क्लिक करना है, ठीक है। और सबसे नीचे आपको आना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि ये दोनों आपका क्लिक रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है सबसे, और यहाँ सब्सक्राइबर काउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले कि अगर आपके पास 50-100 सब्सक्राइबर है, अगर आपके मान लीजिए 100 से कम सब्सक्राइबर हैं तो आपको 100 वाले पे क्लिक करना है। आप मतलब 100 से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर है तो आपको 1000 वाले पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा उसका फ़ायदा बताता हूँ। जैसे आप ये YouTube को बता देते हो कि मुझे अगला 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, मेरे अभी 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो YouTube उस वीडियो को और भेजने लगता है, उस चैनल को और रिकमेंडेशन में भेजने लगता है जब आप पहला सेटिंग ऑन कर लेते हो। तो इससे आपका चैनल बूस्ट होने लगता है और आपके वीडियो भी वायरल होने लगते हैं। और अगर आपके 10000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको 100 के पे क्लिक करना है, और आपके 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको 10000 वाले पे क्लिक कर देना है, और अगर आपके 10000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको 1 लाख वाले पे क्लिक कर देना है, और आपके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो आपको 1 मिलियन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरा तो 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर, तो मैं 1 मिलियन वाले पे क्लिक कर देता हूँ। इससे ये होगा कि मेरा यूट्यूब को समझ जाएगा कि इसको अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करना है, अब मेरे चैनल को भेजने लगेगा और रिकमेंडेशन में। तो यही दो सेटिंग थी, और एक एडवांस सेटिंग है जिससे आप अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं। आपके टॉपिक तुरंत पता चल जाएगा कि इस पर अगला टॉपिक बनाऊंगा तो उस पर व्यूज आएगा कि नहीं आएगा। आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस सेटिंग है, इसकी सेटिंग नहीं है, ये एडवांस चीज़ें हैं। मैं वो क्या है वो बताता हूँ, YT स्टूडियो में ही है। आपको एनालिटिक्स में चले जाना है, यहाँ पर अपने यहाँ पर जाने के बाद अगर आपके चैनल को बनाए हुए 1 महीने हो रहे हैं तो ये तभी लागू होगा, ठीक है। या आप 1 महीने चैनल बना लिए हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तब भी ये ऑन हो जाता है। अब आपको एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको सबसे कॉर्नर में मिलेगा रिसर्च का, यहाँ पे जाएंगे आप तो आपको जो रिसेंट पे ये सारी वीडियो दिख रही है इस पे अगर आप वीडियो बनाते हैं, ये टाइटल कॉपी पेस्ट करके अपने डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं तो आपका वीडियो वायरल होगा और आपका चैनल ग्रो होगा और आपके सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ेंगे। यही सारी चीज़ें थी, मैं बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।